इस जगत में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जो भी कुछ हम सुन रहे हैं, जो भी हमें स्पर्श कर रहा है, चारों तरफ अगर कुछ भी है तो वो एक सर्वोच्च शक्ति है जिसकी उपस्थिति में हम इस सारे समाज को, इस व्यवस्था को, इस पूरे ग्रह को अनुभव कर पा रहे हैं। सभी में जो भी कुछ है सजीव और सक्रिय वो सिर्फ परमात्मा की शक्ति है। आज हम जिस विषय पर बोलने जा रहे हैं वो विषय हमारा है कि हम अपने व्यवसाय को, हम अपने धंधे को, हम अपने बिजनेस को कैसे अपग्रेड करें, कैसे उसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम उसमें तरक्की प्राप्त करें, कैसे हम उस व्यापार के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर सकें। पहली बात, हम जो भी कुछ करें उस करने के पीछे हमारी जो सोच है वो ये होनी चाहिए कि इससे मानवता को हम क्या दे रहे हैं, हम इस पूरी मनुष्यता के लिए क्या बेहतर अपने व्यवसाय के द्वारा प्रदान करना चाहते हैं, हम परमात्मा की महिमा और उसके खातिर हम ये कार्य कर रहे हैं। जब हम ईश्वर की महिमा और उसके खातिर और मनुष्यता की सेवा के लिए जब कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो हमें उससे प्यार होना चाहिए, हमें उससे लगाव होना चाहिए, क्योंकि हमारा हर कदम मनुष्यता के लिए हो रहा है, हमारा हर कदम ईश्वर के खातिर हो रहा है। हम अगर घर में भोजन बना रहे हैं भोजन बनाते समय अगर हम ये सोचें कि हम कृष्ण को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं, अपने ईष्ट को इस के लिए हम इसे तैयार कर रहे हैं, तो वो एक पूजा हो जाएगी, वो एक आराधना हो जाएगी, वो एक आध्यात्मिक तत्व बन जाएगा, वो एक हमारा आध्यात्मिक कृत्य हो जाएगा। जो लाभ हमें मंदिर जाने से मिलता है, जो लाभ हमें एक घंटे पूजन में बैठ करके मिलता है, वही लाभ जब आप जो अपना कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो उसमें अगर परमात्मा को अपना साझीदार और वो कार्य परमात्मा को समर्पित करके आप करते हैं तो असीम प्रज्ञा आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को काफी दूर, काफी ऊंचाइयों पर ले जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं प्रगति और आगे बढ़ना, ऊंचाइयां छूना, ये हमारी सृष्टि का स्वर्णिम नियम है। अगर हम उस स्वर्णिम नियम को पकड़ करके आगे बढ़ें, तो कोई हमें रोक नहीं सकता है। ये भी एक स्वर्णिम नियम है कि हम जो भी करें उसके पहले हम दो प्रश्न स्वयं से पूछें कि मैं जो करने जा रहा हूं उससे मेरे आसपास के वातावरण में कितनी सुंदरता, कितना आनंद और कितनी शांति आएगी। दूसरा, हम जो कर रहे हैं उससे मानवता को कितना लाभ मिलेगा। जब ये दो प्रश्न हम स्वयं से कर लेते हैं और उनके जवाब हमें मिल जाते हैं तो हमारा काम, हमारा व्यवसाय अपने आप में आध्यात्मिक बीजारोपण के साथ हमारे आपके सबके जीवन में फलीभूत होता है और हमारे व्यवसाय में निरंतर प्रगति होती चली जाएगी। कोई भी काम आप करें, कोई भी काम करें, मन में हमेशा प्रेम, सद्भावना, सद्विचार, इनको अपने मन के सिंहासन पर बिठाए, समृद्धि के विचारों को अपने सिंहासन पर बिठाए और देखेंगे कि आप निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
देखिए वास्तविक रहस्य अपने ग्राहक के साथ कोई भी बिजनेस करें, एक बात अंदर अच्छी तरह बिठा लें कि जब भी अपने ग्राहक को कोई भी चीज आप बेच रहे हो तो सबसे पहले उस ग्राहक के स्थान पर अपने को रखें और महसूस करें कि ये जो सामान हम बेच रहे हैं, अगर हम ग्राहक होंगे तो क्या इसे खरीदेंगे, क्या इसको खरीदने से हमें संतुष्टि मिलेगी, क्या इसको खरीदने से हमारे मन में खुशी आएगी। और अगर ऐसा है तो आप उस स्वर्णिम नियम का पालन कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्राहक की जगह खड़े होकर के वो चीज आप खरीदने में हिचकिचा रहे हैं, तो अपने ग्राहक को बहुत ही विनम्रता और शालीनता से ये कह दें कि भाई ये चीज आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आप दूसरी जगह जा सकते हैं। और उसका आप पता भी बताएं कि वहां पर ये चीज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, वहां से आप इसे खरीदें। निश्चित तौर पर आपका ग्राहक आपसे अलग हुआ, लेकिन आपने ऐसे एक ग्राहक को सही रास्ता दे करके जो आपने भेजा, दूसरे अनेक ग्राहक आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। और जो ग्राहक आपसे चला भी गया है, भविष्य में वो पुनः आपके पास वापस आएगा, क्योंकि आपने सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसंतुष्टि उस ग्राहक को ध्यान में रख करके ये बात कही थी, वो पुनः आपके सामने वापस आएगा और आपका हमेशा के लिए एक अच्छा ग्राहक बन जाएगा। व्यावसायिक सफलता के तीन कदमों को हमेशा ध्यान में रखें, जैसे आपका धंधा मंदा चल, ग्राहक कम आ रहे। अब एक कारण तो यह हो सकता है कि आप इस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो जाएंगे, घबराने लगेंगे कि आखिर क्या होगा, क्योंकि बैंक से आपने लोन लिया है, लोन लेकर के आप अपने कार्य को कर रहे हैं। जब इस तरीके की एक तो धारणा आ सकती है और आती भी है, लेकिन मेरा सुझाव आपसे यह है कि आप उसके स्थान पर मानसिक चित्रण ये देखें कि आपके पास वो ग्राहक आ रहे हैं और ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, ग्राहक आपसे बहुत संतुष्ट है और आपको आपकी सेवा के बदले आपको एक बेहतर पारिश्रमिक मिल रहा है, आपका सामान खूब बिक रहा है, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, परिवार में बच्चे, आपकी पत्नी आपसे बहुत खुश हैं क्योंकि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है। और इस प्रकार से जब ये आप मानसिक चित्रण अपने मन में करते हैं, देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी अपग्रेडिंग होनी शुरू हो जाती है, आपका व्यवसाय आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। आप उसे एहसास के साथ कि आप अपने ग्राहकों के साथ बहुत बेहतर तरीके से पेश आ रहे हैं, उन्हें बहुत बेहतर तरीके से समझा रहे हैं, वे आपका सामान लेकर के बहुत संतुष्ट हो रहे हैं, इस तरीके का मानसिक चित्रण आप करें। और जितना ज्यादा गहराई से आपका मानसिक चित्रण होगा, उतना ही आपको उससे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी एक बात, अभी पिछले वर्ष मुझे एक बड़ा सौदा करना, मेरे पास पैसे नहीं, फिर भी मैंने ईश्वर का चिंतन किया और मन में सोचा कि वो असीम प्रज्ञा हमारे लिए ये सब व्यवस्थाएं करेगी, जो कि असंभव सी लगती थी, बिल्कुल असंभव सी, जिससे भी अगर हम जिक्र करते तो कहता यार ये खामखा की बात कर रहे हो, बेकार की बात। लेकिन मैंने एक प्रयोग किया, मैं रात्रि सोने के पहले
और सुबह उठने के पहले मैंने इस बात का मानसिक चित्रण किया कि जो मैं लेना चाहता हूं वो मैंने ले लिया है, मेरे पास पैसे की व्यवस्थाएं हो गई हैं, बैंक से मुझे लोन भी सैंक्शन हो गया है। इस तरह मैंने मन में कई बार इसको रिपीट करता रहा और ये लगभग कार्य करीबन 12 महीने मैंने किया और उन 12 महीने के भीतर ही मुझे ज्ञात अज्ञात तरीकों से वो सारे संसाधन हमारे पास आ गए जिनसे कि मैंने वो सौदा पूरा कर लिया। तो मनुष्य के पास जो एक सबसे बड़ी शक्ति है वो है मानसिक चित्र, कल्पना की शक्ति। आज दुनिया में आप जो भी कुछ देख रहे हैं इसकी कभी किसी ने बहुत गहरे तल पर जाकर के कल्पना कर ली, उसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है, उसका एहसास किया है और जितने गहरे तल पर जाकर उन लोगों ने उसको एहसास को अनुभव किया कि ज्ञात अज्ञात तरीके अवचेतन ने उसके सामने वो साधन मुहैया करा दिए जिससे कि ये दुनिया में बहुत सारे आविष्कार हुए। आज जो भी कुछ है वो हमारी कल्पना का ही तो परिणाम है। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखने की है कि हमारी कल्पना भी लोगों के सुख, लोगों के आनंद, मानवता की सेवा के लिए होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। जब भी आप सौदा करें, बेचें या खरीदें, जब भी करेंगे तो हमेशा एक बात ध्यान आपकी भी संतुष्टि उसमें हो रही है और जिसे आप बेच रहे हैं क्या वो भी संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, दोनों की आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। और जब आप ऐसा अनुभव करके कि आप भी खुश हो रहे हैं उसको बेचने से और खरीदने वाला भी खुश हो रहा है उसको खरीदने से, तो ही ये स्वर्णिम नियम का पालन। और जब भी हम स्वर्णिम नियमों का पालन बेहतर तरीके से करना जान जाते हैं तो हमारा जीवन अपने आप पुष्पित फलित होने लगता है, अपने आप जो है वो पंख लग जाते हैं और हम आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना शुरू कर देते हैं।